करता हूँ। और हम लोग हमारे ऑफिस में हमारा ऑफिस जो है वेस्ट फ्री ऑफिस है, इसका मतलब ये कि जितना भी हमारा गीला कचरा होता है उसका हम खाद बनाते हैं, और हमारा ऑफिस इस वक्त टोटली वेस्ट फ्री है। क्या ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं स्वच्छ भारत में? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए, मैं सर आंखों पर कबूल करूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है देश के लिए, क्योंकि जब हम सफाई पर ध्यान देते हैं तो उसके साथ साथ करीबन 8-10 चीजें सही हो जाती हैं। स्वास्थ्य में बहुत तब्दीली आती है, क्लीनलीनेस से हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें सफाई आती है, तो पानी में बड़ी तब्दीली आती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पे जब हम ध्यान देते हैं। सत्यमेव जयते के अगले में हम देख सकते हैं और कुछ स्वच्छ भारत के मिशन पे। सत्यमेव जयते में हमने ये मुद्दा पिछले सीजन में उठाया था, सॉलिड एंड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के लिए। जैसे मैं कह रहा था कि इसके साथ साथ अगर आप इस पे ध्यान दें, इस पे हम कामयाबी पाएं, तो बहुत सारी चीजें सुधरती हैं देश में इससे। एक चीज है कि इसको और कैसे बढ़िया और कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया सकता है, क्योंकि आप फिल्म फ्रेंडली से जुड़े हैं, आप लोग अपील करेंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे। जी हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आज, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपील करूँ लोगों से इसमें जुड़ने के लिए, क्योंकि इसमें हर हिंदुस्तानी को साथ देना होगा, हर इंसान को इसमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। और इसके साथ साथ जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनको सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सही मैनेजमेंट करनी है। ये दोनों चीजें जब साथ में होंगी तो दोनों पहिए सही चलेंगे और हमारी गाड़ी निकल पड़ेगी। आमिर, ये देखा गया कि जब आप लोग कुछ अपील करते हैं लोगों से, सेलिब्रिटीज, तो लोग उसको खास तौर पे ध्यान देते हैं। जी, क्या आप कोशिश करेंगे कि आप खुद तो पूरी कोशिश कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि हर आदमी इसमें सामने आएगा। जी हाँ, मैं देश भर के लोगों से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये सोच दिखाई है, ये बहुत ही खूबसूरत सोच है, और उन्होंने जो कदम उठाया उसके हमें उनका साथ देना चाहिए। कदम से कदम मिला के हर हिंदुस्तानी को चलना चाहिए, ताकि जो उनका सपना है कि गांधी जी की 150th बर्थडे पर हम एक उनको तोहफा दें स्वच्छ भारत का, वो यकीनन सच निकले।